धर्म के पर लोग चलने लगे तो उसमें धर्म पे चलेंगे तो धर्म से ही वैराग्य होता है ना, बिना धर्म के वैराग्य जनरल है। ये बात समझो था ना, धर्म ते विरती अयोग ते ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से ही वैराग होला और वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति और भक्ति करबे तो उमे न तो वैराग का जरूरत बा, न योग का जरूरत बा, न कोनो ज्ञान का जरूरत बा। उरा आई भक्ति में अपने आप सब चलावले, भक्ति बा माई और जोग विराग ई सब बा लड़का, तो लड़का लोग माई की यहाँ आई वे करी है। यही से जे चलाक रहा अपन बहुत भक्ति के पकड़ नहीं, ज्ञान के चक्कर में पड़वे तो ज्ञान बा पुरुष समझे और माया बा नारी, तो पुरुष कितना बलवान रहे नारी लोग खींच चली। यही से जो है विद्वत्ता यह बा कि ज्ञान मिले के बाद भी भक्ति के धारण कर ले तब वह बच पैबे, नहीं तो और जगह नहीं बा। डॉक्टर साहब सुन जाओ था ने पक्का पक्का ठीक कर है, सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये जो है शोक रहित हो गए, माने इनको अब कोई शोक नहीं है। आप लोग भी अगर एक सच्चा सेवक बन के सेवा कर बे, लोभ रखबे न कर बे, तो कितना आनंद रही। कहे कि लोभ रखे से ही समस्या होला भाई, ध्यान दे करण जी कि यह ध्यान दे और एक एक शब्द के सुनो। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश अपाछ पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावही नाश। यह बहुत सही व्यवस्था है। कह रहे हैं कि श्री सीता राम जी रूपी यह जो सूर्य है जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, माने जो इस बात को समझ जाता, तो जब भी प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अपने आप बढ़ जाते, ठीक न। यह जब प्रकाश हृदय में जाई हाँ तब यह जो है बढ़ जाए। और इसके पहले जिसका वर्णन किए हैं अज्ञान पाप काम वासना क्रोध कर्म काल गुण और स्वभाव, इनका नाश हो जाता। डॉक्टर साहब देखो यह बात अब यह जब प्रकाश हुई तब जो है कि सदगुण उत्पन्न हुई है और दुर्गुण के अंत। अब तू अपन बटन दबावा के देरी बा, बटन दबावा यह प्रकाश भरो और एकदम सेवक बन के आनंद करो ना थौर का। कहिए बाबा जी के यहाँ काज कर वहाँ कुछ तो नहीं मिला, कब अरे बहुत कुछ मिला ना जो वहाँ मिलोला वो कहीं नहीं बा, ठीक ना भाई। देखो ऐसे जब ये अवस्था में बैठ करके ऐसे धीरे धीरे समझेगा तब धीरे धीरे घुसी, और अगर लगा दिला आडम्बर तब वहाँ ठीक। तो भ्रातन सहित रामु एक बार असंग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए असब तरु कुसुमित पल्लवन। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी
अपने परम प्रिय हनुमान जी के साथ सुंदर उपवन देखने के लिए गए और वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त हैं। तो जानी समय सन का दिखाए अतेज पुंज गुण सील सुहाए अब ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु कालीना। यही बात बार बार कहते हैं, कहते हैं कि जानी समय सन का दिखे आए तेज पुंज गुण सील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लवलीना देखत बालक बहु कालीना। अच्छा अवसर जान करके सनत सनंदन और सनत कुमार जी आते हैं, कहाँ बगीचा में जहाँ हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी है। तेज के पुंज सुंदर गुण और सील से युक्त और हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहते है कौन? सनत सनंदन सनत कुमार। हाँ, देखने में तो बालक लगते हैं लेकिन है बहुत काल के। कैसे बहुत काल के माने कितना? वर्तमान समय में लगभग उनकी आयु 1,95,00,000,000 मापी गई है। कैसे? संस्कृत में वो संस्कृत वाले एक मास्टर हैं, आते हैं कभी कभी, तो उनको बताए थे कि पापे न जायते व्याधि पापे न जायते जरा, पाप से ही रोग होला पाप से ही बुढ़ौती। अगर आदमी पाप न करे तो ऐसे ही रह सकल बहुत काल तक, मन वाणी और कर्म से पाप न हो। तो मन वाणी कर्म से बिल्कुल विशुद्ध है, देखे में लड़कन जिसन है ना। विष्णु जी के यहाँ बैकुंठपुरी में सीधा घुस जाले, एक बार जय और विजय जो है उन्हें रोकने की कोशिश करें श्राप दे दें। हाँ, तो वो लोग वहां पर आते हैं। रूप धरे जनु चारिउ बेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा आशा बसन व्यसन यहति नहीं रघुपति चरित होई तहां सुनई। कहते हैं कि ये लोग सनत सनंदन और सनत कुमार जी ऐसे आए हुए हैं जैसे चारों वेद ही बालक रूप धारण करके आए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। अगर संत हैं तो भेद नहीं करना, पक्का पक्का बात समझ ले भाई। और दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है, उनके अंदर एक व्यसन है। क्या? कि जहां श्री राम जी का चरित्र कथा होता है वहां जाकर उसे अवश्य सुनते। एक तत्पर बाकी बायन यह है उनका नशा, समझ ले अलौकिक रूप से बायन और महसूस हो तो सब। अब आप लोग जो है धीरे धीरे जब पवित्र हो बने तो आप लोगों के अनुभव करा दे। व्यसन माने कि जहाँ मन लगा रहे वैसे व्यसन में आजकल के लोग बहन तो उनका सबकर व्यसन बा सोना शराब जुआ मात, जहाँ मन लग जाए तो इनका सबका मन कहाँ लगा बा? जहाँ भगवान जी का चरित्र हो रहा है, ठीक ना। तो तहाँ रहे सन कादि भवानी जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी
राम कथा मुनि बर बहु बरनी ज्ञान जो नी पावक जिमी अरनी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि सनत सनंदन सनत कुमार जी ने श्री राम जी की बहुत सी कथाओं का वर्णन किए, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरड़ी माने अग्नि लकड़ी से उत्पन्न होता। तो जब भगवान के कथा सुनबे तो ज्ञान उत्पन्न होई जरूर, और वो कब होई? जब सुनावे वाला ज्ञान पा करके मुक्त हो गल हो तो, नहीं तो। डॉक्टर साहब इधर देखो, छूट ही मल कि मल ही के धोए, अघित की पाव कोई बारी बिलोए। यदि वक्ता ही अगर महिला हो तो दूसरे के सफाई कैसे करी? पानी मथे से कभी मक्खन निकली? ते समय संसार जगत में जितना व्यवस्था बा वो पानी मथे के बराबर है बा। यह बा जितना धर्म के लोग प्रचार प्रसार करते हैं वो खाली पानी मथे के बराबर बा, काहे कि लालच से कुछ ने छूटले नहीं बा, और लालच से कुल समस्या का जड़ बा। जब गुरुवर आई छूटा बान लालच से तो फिर संसार जगत का मन कैसे पवित्र हुई? ठीक, तो जब आए तो देखी राम मुनि आवत, हरषि दंडवत कीन्हे, स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। ध्यान दीजिए, हाँ समझ गई है। कह रहे हैं कि सनत सनंदन सनत कुमार मुनियों को आते देख करके श्री रामचंद्र जी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब भगवान भी धरती पर आते हैं तो ब्राह्मण मुनि को दंडवत प्रणाम करते, और आज लोग ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं नाथ, और कहते हैं कि उनका कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए उनको अपना जो पीतांबर है वही बिछा देते हैं बैठने के लिए। आसान, ठीक ना? तो प्रेम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, भाव हो तो ऐसा हो, कपट वाला भाव रही तो के स्वार्थी लोग स्वीकार करी है भगवान। प्रेम भगवान है मगर सम्मान दे जी। और क्या कहते हैं कि किन दंडवत तीन भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाई सनत सनंदन सनत कुमार जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री राम जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए और मन को रोक न सके। तो श्यामल गात सरो रुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निमेख न ला वही, अब प्रभु कर जोरे शीश नवा वही। करे कि जिनका श्याम वर्ण का शरीर है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, पलक नहीं झपक रहा है।
और प्रभु हाथ जो प्रभु को हाथ जोड़े सिर नवा रहे, प्रभु दंडवत करते हैं ये लोग भी उनको झुक करके प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही ना प्रेम हुई भाई, कब पालगी हाँ खुद रहे ऐसे बोल रहे थे दुआरा पलगियों कोई ना करी। तो जब प्रेम मिला तो प्रेम देवे के तो तीन कै दशा देखी रघुबीरा अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा अकर गही प्रभु पुनि बर बैठा रे परम मनोहर बचन उचारे। देखिए प्रेम में बिहवल दशा को देखकर श्री राम जी के नेत्रों से भी प्रेम आश्रु का जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी अपने हाथों से पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाए और परम मनोहर बाणी बोले। देखो तू सबे कभी बोले भाई ईसन बाड़ी क्या बोला तैन, आज धन्य मैं सुनहु मुनीता तुम्हारे दरस जाही अघकीसा। ध्यान दे संसार में ये बहुत अति दुर्लभ व्यवस्था हो। कहते हैं कि हे मुनीश्वरों सुनिए आज मैं धन्य हूँ। भगवान जी बोल रहे हैं संतों को देख करके कि आज मैं धन्य हूँ धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते। आप लोग जान लीजिए आज संसार जगत में तीन वस्तु बहुत ही भाग से बड़े भाग से मिलती है। एक आप लोग जानते हैं बड़े भाग मानुष्टन पावा, एक तो वह है और दूसरा क्या है कि बड़े भाग पाई बसत संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। कहाँ प्रयास को रखे पड़ता, बड़े भाग से संत का साथ मिलता है और बिना परिश्रम के ही जन्म मरण का जो है बंधन छूट जाता। इतने के बाद भी लोग जो है यहाँ आने का प्रयास नहीं करते। और तीसरा होता है कि गुरु पद नख मनिगन ज्योति और बड़े भाग आवई उर्जासी, ऐसा कुछ है ना। ये भी बड़े भाग से ही गुरु के चरण के नख की ज्योति हृदय में बात करती है। यही तीन चीज है ना। अब मनुष्य का शरीर मिल गया, संत का साथ मिल गया, उसके बाद भी अगर भ्रम दूर न करे तो बताइए क्या कहें कि बुद्धिमान है। अरे निकाल ले भाई पाला छू दे, समझो ठीक। और देखिए कितनी पवित्र बाणी है कि संत संग अपवर्ग कर अकामी भव कर पन अकही संत कवि को विद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत के साथ से मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का और कामी के संग से जन्म मृत्यु के बंधन में बंधने का लाभ मिलता। हम तो जीवन अच्छा लगा करो। और इस वाणी को सिर्फ यहीं से नहीं कही जा रही है, इसे कहते हैं संत लोग कवि लोग पंडित लोग और वेद पुराण के अलावा सभी सद ग्रंथ कहते। सबका बात न मन में सबका बात नहीं देखा थी के कौन दू बात का लेवे ना भाई सीधा सीधा बा। ते ऐसन बाड़ी
जेके संत कवि पंडित वेद पुराण और सभी सदग्रंथ कहते हो, इसलिए कहते हैं मनाथ ने कि जब कछु काल करिय सत्संगा मीट ही मोह हो ये भ्रम भंगा। जब कुछ काल सत्संग करेंगे तब ना मोह मिटेगा, नहीं अज्ञान के दुनिया में कहलेन प्रेम करीदा। जब लालच बा तो प्रेम कहाँ बा, लालच बा तो प्रेम नहीं बा। पत्नी के प्रेम करो ले ओके श्रद्धा और सम्मान के रूप में प्रेम दे, वासना बा तो प्रेम नहीं बा। समझ में आवता ना, अगर कोई अगर लाभ के कारण आप किसी को प्रेम कर रहे हैं तो वह प्रेम प्रेम नहीं। पवित्र प्रेम करिए तब भगवान के चरणों में पवित्र प्रेम होगा। ठीक, तो सुनी प्रभु बचन हरसी मुनि चारी अपुलकित तनया स्तुति अनुसारी। ध्यान दे, थोड़ा रुको भाई। जय श्री राम। नया कहता है